हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर अगेन विद आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एंड हियर इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मिरर फॉर्मूला और द डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन एंड हियर इज डेरिवेशन फॉर मिरर फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to draw the diagram as usual, so here is the diagram, this is the concave mirror, this is the principal axis of the mirror, here is focus and this is center of curvature. We have to put an object in between center of curvature and infinity. This is the object. So here the first ray which is coming parallel to the principal axis, after reflection it goes through the focus. Clear? Second ray will incident from focus on the principal axis, and after reflection it goes parallel to the principal axis. 1 minute. Here is, this is the ray, and this ray is incident from focus, and this is the meeting point of this ray. Yeah, this is the meeting point. Yeah, so here is the image. This is the reflected ray. ठीक है, आप लोग स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आपसे एकदम स्ट्रेट बनेगी. नेक्स्ट वी हैव टू लेबल ऑल दीज थिंग्स. सो वॉट इज ऑब्जेक्ट, दिस इज पी एंड क्यू, इट इज द ऑब्जेक्ट. दिस पी डैश क्यू डैश इज द इमेज. हियर इज एल, दिस इज एम एंड दिस इज ओ. ठीक है, ये हम इसको लेबल कर देंगे. ये हो गया हमारा डायग्राम. नाउ व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला, क्या प्रूव करना है हमें. मिरर फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v. दिस इज द मिरर फॉर्मूला. सो वी हैव टू प्रूव दिस मिरर फॉर्मूला. ठीक है, हमें इसको डिराइव करना है. डिराइव करने के लिए हमें पता है कि हम जो अपर्चर लेते हैं ना, दीज ऑल आर द थिंग्स फॉर अ स्मॉल अपर्चर. जब हम इस मिरर का अपर्चर स्मॉल कर देंगे ना, हम बड़ा इसलिए बनाते हैं ताकि सारी लेबलिंग हमें क्लियर दिखे, इसके लिए हम बड़ा यूज करते हैं. बट हियर जब हम इस अपर्चर को एकदम स्मॉल करेंगे तो ये ओ एल और ओ एम क्या होगी, एकदम स्ट्रेट लाइन जैसी हमें दिखेगी. वेन द अपर्चर विल बिकम द स्मॉल. ठीक है, ये हमने पहले देखा हुआ है. तो यहां पर जो भी रिलेशन हम लेंगे, ऑल द रिलेशंस आर टेकन फ्रॉम द फॉर द स्मॉल अपर्चर. सो क्लियर, ऑल द रिलेशंस इज ट्रू फॉर स्मॉल अपर्चर. सो हियर वी हैव टू राइट ऑल द रिलेशंस, जितने भी रिलेशंस आप लेंगे आर ट्रू फॉर स्मॉल अपर्चर ऑफ द मिरर. सो ओ एल एंड ओ एम आर अज्यूम टू बी अ स्ट्रेट लाइन. सो ओ एल एंड ओ एम अज्यूम्ड टू बी अ स्ट्रेट लाइन. अब हम स्टार्ट करते हैं. हमें कुछ चीजों के बारे में यहाँ पे लिखना है, तो पहले से ही हमें जो वैल्यूज चाहिएगी हम उनके बारे में लिख लेंगे, क्योंकि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो कुछ चीजों के बारे में हमें देखना है. यहाँ पे हमें देखना है ओपी. व्हाट इज ओपी? ओपी इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. सो फर्स्टली वी हैव टू राइट अबाउट ओपी. What is OP? It is the distance of object from the mirror. और
लाइट रेस के अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो ये क्या होगी माइनस, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है यू, सो दिस इज माइनस यू. नेक्स्ट वन इज ओ पी डैश. ओ पी डैश, व्हाट इज ओ पी डैश, इट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, और ये क्या होगी माइनस वी, क्योंकि वी होती है और ऑब्जेक्ट के उसके लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट हम जा रहे हैं, इसलिए कैसी होगी माइनस में होगी. नेक्स्ट हमें लेना है ओ एफ. व्हाट इज ओ एफ, ओ एफ इज द फोकल लेंथ एंड अगेन इट इज माइनस, क्योंकि कॉन्केव लेंस के लिए फोकस फोकल लेंथ क्या है माइनस होती है, तो ये माइनस हो गया. इसके अलावा हम ओ आर भी ले सकते हैं जो यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो वो हमें कोई जरूरत नहीं है. ओसी क्या है, ओ आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज माइनस आर, ठीक है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हमने लिख लिया है, क्लियर. तो ये चीजें हमने देख ली यहां पे. नाउ व्हाट टू डू, अब हमें क्या चाहिए, अब मुझे यहां पर पी एफ निकालना है, क्लियर. क्या निकालना है पी एफ, ये है पी एफ, मुझे पी एफ चाहिए, तो पी एफ के लिए मैं ओ पी माइनस ओ एफ कर दूं तो पी एफ निकल ही आएगा, ठीक है. तो यहां पर क्या होगा, पी एफ निकालने के लिए वी वॉन्ट पी एफ, और पी एफ के लिए आप क्या कर देंगे ओ पी माइनस ओ एफ. वॉट इज ओ पी, ओ पी इज माइनस यू, ठीक है, तो ओ पी क्या है माइनस यू है. वॉट इज ओ एफ, ओ एफ इज माइनस एफ, ठीक है, ये है हमारे पास. तो हमने इसको हमें इसको निकालना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे माइनस यू माइनस माइनस एफ, क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस यू प्लस एफ, ठीक है. ये क्या आ गया आपके पास पी एफ की वैल्यू आ गई. अब ऐसे ही जैसे पी एफ निकाला है, मुझे यहां पर हमने क्या निकाला है पी पी एफ हमने निकाला है, अब मुझे चाहिए पी डैश एफ, ठीक है, तो पी डैश एफ मुझे निकालना है, तो इसके लिए मैं ओ पी डैश माइनस ओ एफ कर दूं तो पी डैश एफ निकल आएगा, ठीक है. तो क्या निकालना है यहां पे हमें चाहिए पी डैश एफ, इसके लिए हम ओ पी माइनस ओ पी डैश माइनस ओ एफ, ठीक है. अगेन ओ पी डैश क्या है माइनस वी, माइनस ओ एफ क्या है माइनस एफ, एंड इट बिकम्स माइनस वी प्लस एफ, ठीक है. ये दो चीज हमारे पास समझ में आ गई. अब हमें यहां पे दो ट्रायंगल्स लेने हैं, ठीक है. ट्रायंगल कौन कौन से लेने हैं, यहां पे मैं ट्रायंगल की बात कर रही हूं, दिस इज ट्रायंगल पी क्यू एंड एफ, ठीक है. ये वाला ट्रायंगल हमें लेना है पी क्यू एंड एफ, और इसके साथ जो दूसरा ट्रायंगल लेना है दैट इज ओ एम एफ, दिस इज द ट्रायंगल, ठीक है. ये दो ट्रायंगल हमें कंसीडर करना है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ठीक है. इन दो ट्रायंगल को हमें लेना है, तो ट्रायंगल कौन सा लिया है हमने, ट्रायंगल पी क्यू एफ एंड ओ एम एफ. सो इन ट्रायंगल ट्रायंगल PQF एंड OMF, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल है. यहां पर दिस इज द राइट एंगल, दिस इज द राइट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है. तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर, कैसे हो गए सिमिलर, बाय एंगल एंगल रूल, सो दीज आर सिमिलर ना, बाय एंगल एंगल. और जब किसी दो ट्रायंगल के एंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो होता है इट इज आल्सो इक्वल, ठीक है. क्या देखना आपको, दोनों एंगल क्या है सिमिलर है, तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, तो जब दो ट्रायंगल्स के अंदर दो एंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो है इट इज ऑल्सो इक्वल, ठीक है. तो यहां पर कोरोस्पोंडिंग साइड्स कौन सी है, पी क्यू पी एफ,
ठीक है, तो पी क्यू और पी एफ का रेशियो क्या होगा, सिमिलर होगा. सो हियर आई एम राइटिंग पी क्यू अपॉन पी एफ, ठीक है, इज इक्वल टू, अब दूसरे ट्रायंगल की साइड लेनी है हमें, ओ एम एंड ओ एफ, ओ एम एंड ओ एफ. सो इट इज इक्वल टू ओ एम अपॉन ओ एफ. क्लियर? फिर से आप एक बार देख लेंगे, जब दोनों एंगल सिमिलर है तो वहां पर इस टाइप के ट्रायंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है ना. ये रूल्स आप मैथ्स में देखते हो. अब यहां पर इसको हम आगे क्या करते हैं, पी क्यू अपॉन पी एफ, पी क्यू अपॉन पी एफ, ठीक है. ये जो ओ एम है, दिस ओ एम इज ऑल्सो इक्वल टू पी क्यू, पी डैश क्यू डैश, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है. तो ओ एम की जगह पे यदि मैं लिख दूं पी डैश क्यू डैश, ठीक है, और नीचे क्या है ओ एफ, यहां पे क्या हो गया ओ एम इज इक्वल टू पी डैश क्यू डैश. अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहां पर और ये यहां पर. जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू अपॉन पी डैश क्यू डैश इज इक्वल टू पी एफ अपॉन ओ एफ, ठीक है, ये आ गया हमारे पास. पी एफ की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, दिस इज द पी एफ, ठीक है. तो पी क्यू अपॉन पी डैश क्यू डैश, पी एफ की वैल्यू है माइनस यू प्लस एफ अपॉन क्या है ओ एफ, ओ एफ क्या है माइनस एफ. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन वन. अब हमें और दूसरे दो ट्रायंगल्स को कंसीडर करना है, ठीक है. अब दूसरे ट्रायंगल्स कौन से लेना है, सेम रूल उन ट्रायंगल्स में भी लगने वाला है, ठीक है. तो दो ट्रायंगल अब हम और कौन से लेने वाले हैं, हियर वी हैव टू कंसीडर दीज टू ट्रायंगल्स, ठीक है. दिस इज ट्रायंगल पी डैश क्यू डैश एफ, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल ओ एल एफ, दिस ओ एल एंड एफ, ये दोनों ट्रायंगल होंगे पी डैश क्यू डैश एफ एंड ओ एल एफ, क्लियर. सो हियर इज ट्रायंगल पी डैश क्यू डैश एफ एंड ट्रायंगल ओ एल एफ. यहां पर भी आप देख रहे हैं दिस इज द राइट एंगल, दिस इज ऑल्सो राइट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे. फिर से दो एंगल इक्वल है मीन्स दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर. और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो भी क्या होगा, सिमिलर. सेम रूल जो हमने यहां लगाया था वही रूल, ठीक है. तो साइड्स क्या है हमारे पास, अब पी डैश क्यू डैश अपॉन पी डैश एफ, ठीक है, और यहां पे क्या होगा ओ एल अपॉन ओ एफ, ठीक है. तो क्या है ओ एल अपॉन ओ एफ इज इक्वल टू पी डैश क्यू डैश अपॉन पी डैश एफ, पी डैश क्यू डैश अपॉन पी डैश एफ, है ना, ये वाली साइड पी डैश क्यू डैश अपॉन पी डैश एफ, क्लियर. अब हमें देखना है ओ एल इज इक्वल टू पी क्यू, जैसे यहां पर ओ एम पी डैश क्यू डैश के इक्वल था तो यहां पे ओ एल पी क्यू के इक्वल है, तो ओ एल की जगह पे मैं पी क्यू लिख सकती हूं. हियर इज पी क्यू अपॉन ओ एफ इज इक्वल टू पी डैश क्यू डैश अपॉन पी डैश एफ, यहां पे आप लिखेंगे ओ एल इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है. फिर से हमें क्या करना है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहां, ठीक है, पी क्यू अपॉन पी डैश क्यू डैश इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन पी डैश एफ, क्लियर. सो ये हमारे पास आ गया,
अब फिर से हमें क्या करना है, यहां पर वैल्यू रखना है p डैश q डैश इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, जो ओ एफ और p डैश f की वैल्यू है हमारे पास ना, ये क्या थी पिछले हमने उधर देखा था इक्वेशन में, दैट इज माइनस f। ओ एफ क्या है, माइनस f, हियर इज पी क्यू, पी डैश क्यू डैश, ओ एफ इज माइनस f, और p डैश f क्या था हमारे पास, माइनस v प्लस f। दिस इज इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू आ गया, ये भी पी क्यू अपॉन पी क्यू डैश है, और ये भी, जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, दिस इज द इक्वेशन नंबर वन, एंड हियर आई एम राइटिंग द इक्वेशन नंबर टू। सो व्हाट इज इक्वेशन नंबर टू, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। सो हियर फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, क्लियर। सो दोनों इक्वेशन हमारे पास होगी, वन एंड टू से हम लिखेंगे माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, इक्वल टू माइनस यू प्लस एफ अपॉन माइनस एफ, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। नाउ व्हाट विल हैपन, अब हमें आगे क्या करना है, एफ एफ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस वी मल्टीप्लाइड बाय माइनस यू प्लस एफ मल्टीप्लाइड बाय माइनस यू प्लस एफ, ठीक है। इसको हम करेंगे एफ स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, दिस इज यू वी, माइनस माइनस प्लस माइनस, दिस इज वी एफ ना, वी इंटू एफ प्लस, दिस इज यू एफ प्लस, ये एक मिनट, ये माइनस प्लस माइनस माइनस यू एफ एंड दिस इज एफ स्क्वायर, क्लियर। ये आ गया हमारे पास ना, ये आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या होगा, यहां पर एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, दिस एफ स्क्वायर से ये वाला एफ स्क्वायर कैंसिल, नाउ इट बिकम्स यू वी माइनस वी एफ माइनस यू एफ, हियर इज जीरो, ठीक है। यू एफ को हम इधर ले आएंगे, यू एफ यू वी नॉट यू एफ, दिस इज यू वी इज इक्वल टू वी एफ प्लस यू एफ। नाउ दिस इक्वेशन इज डिवाइड बाय यू वी एफ, पूरी इक्वेशन को हम यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे। सो हियर यू वी एफ, हियर ऑल्सो यू वी एफ, हियर ऑल्सो यू वी एफ, क्लियर। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, यू वी से यू वी कैंसिल, इट इज वन अपॉन एफ इज इक्वल टू, ठीक है, वी एफ से वी एफ कैंसिल, वन अपॉन यू प्लस यू एफ से यू एफ कैंसिल, वन अपॉन वी। दिस इज द मिरर फॉर्मूला एंड इट इज हेंस प्रूव्ड, ये ही हमें प्रूव करना था, ये मिरर फॉर्मूला जो हमारे पास लिखा हुआ है इसी को हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैथ्स की टर्म्स आपको यूज करनी है, और आप इजीली है ना, टेंथ स्टैंडर्ड में आप ये टर्म्स यूज भी करते हैं और आपको बहुत अच्छे से आती भी है, मैथ्स की टर्म्स को यूज करके हमें इस मिरर फॉर्मूला को प्रूव किया है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, ये न्यूमेरिकल्स में भी मिरर फॉर्मूला हमारे काफी काम आता है, जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर हम लेंस फॉर्मूला भी देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मिरर फॉर्मूला, होप यू गेट अंडरस्टूड द डेरिवेशन, एंड इन आर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर थिंग्स अबाउट द रिफ्लेक्शन। थैंक यू वेरी मच।